दुनिया भर में कई देशों में आज इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मूवमेंट चल रही है। मैं जानता हूं कि भारत में राष्ट्रवादी मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। वो लोग ऐसे विषयों से अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मूवमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत में कोई इस्लामिक स्टेट बनने के लिए प्रयास हो रहा है? अगर प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसे प्रयास हो रहे हैं जिससे जमीन बनाने का काम हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो 125 करोड़ के हिंदुस्तान को इस विषय पर एक होके बोलने की आवश्यकता। सुदर्शन न्यूज चैनल जितनी बढ़िया देश की सेवा इस समय कर रहा है, इससे बढ़िया सेवा मुझे नहीं लगता। लोग ठीक है रोज न्यूज देते हैं, सबका अलग अलग है, लेकिन आपने इस चीज को जिस प्रकार से पिछले 8-7 दिनों से आप उजागर कर रहे हैं, मैं हरदम देख रहा हूँ और चाहता था कि आपके चैनल पर आऊँ, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे राष्ट्रभक्त चैनल से जुड़ा हुआ हूँ जो देश के बारे में चिंता करती है, देश के बारे में उजागर करती है, लोगों को बताती है क्या हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पे मैं ज़रूर जाऊँगा, अवश्य जाऊँगा, और मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने साथ में कुछ लोगों को और जोड़ूंगा और मिल करके हम लिख करके देंगे कि इस प्रकार के भड़काऊ भाषण देश को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते हैं। इसीलिए अति आवश्यक है कि ऐसे लोगों के ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए।